बाबा जब आपकी रक्षा करते हैं तो केवल मैं कहूँगा शारीरिक रूप में ही आपकी रक्षा नहीं करते हैं। आपको मानसिक रूप में आपके स्पिरिचुअल लाइफ में भगवान कितने ही इंसिडेंट्स ऐसे होंगे आप सभी के ज़िंदगी में होंगे मैं अपने एक इंसिडेंट आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ मैं अपनी धर्मपत्नी के साथ हमारा एक छोटा बेटा जब कुछ साल का था तीन चार साल का होगा तो पुटवर्ती दर्शन करे जा रहे थे फ्लाइट से उतरते हैं वहाँ से एक ओमनी वैन जो है वहाँ से हायर किया तो वो दैट पर्सन दैट ड्राइवर ही वॉज़ ड्राइविंग एट अ वेरी बिग स्पीड गुड स्पीड तो जब पुटापति से के लिए बेंगलोर एयरपोर्ट एयरपोर्ट तब शहर के बीच में था बेंगलोर के तो वहाँ से जब जाते थे तो रास्ते में एक रेलवे क्रॉसिंग आता था जब रेलवे क्रॉसिंग आती है उसके पहले स्पीड ब्रेकर्स होंगे आगे गए कौटेसा कार चली हुई थी जब इतनी स्पीड के साथ हमारी गाड़ी चली हुई थी और आगे वाली गाड़ी भी स्पीड पे थी तो आई थिंक वो जैसे ही वो स्पीड ब्रेकर आता है उसने भी ब्रेक मार मारती है उस कार ने भी ब्रेक मार दी और हमारी कार ने भी स्क्रीच करके वो जब ब्रेक मारना चाहा वो हल्की गाड़ी थी शायद तो वो एका एक जो है वो अपना संतुलन खो देता है ड्राइवर और वो उस सड़क से जो है वो नीचे कुछ ट्वेंटी थर्टी मीटर्स जो है वो नीचे जाने के लिए एकदम से और दैट मोमेंट वी थॉट साई राम अब शायद हम लोग बचने वाले नहीं हैं क्योंकि दैट वॉज अ थॉट विच केम टू आर बिल्कुल सेंसेस कि हम क्या करेंगे अब और क्या नहीं करेंगे क्योंकि हम घर से आए थे घर में मदर अकेले थे सब कुछ सोलन में छोड़कर आए हुए थे और आज बच्चे के साथ हम जा रहे थे तो तीनों का मन में ये हो गया अब हम गए परंतु तो नीचे एक बरगद का पेड़ था उस पेड़ पे ऐसा लग रहा था कि नाउ इट इज़ डिस्टेंड कि उससे टकराएगी ये गाड़ी पलटेगी क्या नहीं होगा क्या होगा पता नहीं गाड़ी आती है नीचे उस पूरे बरगद के पेड़ का पूरा चक्कर काटती है और उसी स्पीड के साथ वापस आप इमेजिन करिए कि वो छोटी हल्की गाड़ी ओमनी और वो वापस सड़क पर आती है सड़क पर आते ही वो ड्राइवर बोलता है सॉरी सर साई और हम स्टंड टोटली उस जगह से लेकर पुटे पड़ती थे कोई बात नहीं करी हमने और जस्ट थैंकिंग भगवान कि भगवान ये हुआ क्या आपने कैसे हमें अपने हाथों में उठाकर जो है बचा लिया और आप इस इंसिडेंट का जो अंत यहाँ ही नहीं होता जब हम पुटवर्ती पहुँचते हैं अगले दिन सुबह दर्शन में, में सबसे पहली लाइन मिलती है टोकन मिला करते थे पहला लाइन मिलता है भगवान सबसे आगे आपके पास आते हैं और भगवान पूछते हैं आप ठीक हैं मतलब आप देखिए भगवान को कहाँ से कहाँ तक हमें बचाना था भगवान पूछते भी हैं उसके बाद आप ठीक हो कि नहीं इट मेक्स यू रियलाइज आपको एहसास भी दिलाते हैं कि मैं आपके साथ हमेशा हूँ हमेशा रहूँगा उस समय भी था जब आपका एक्सीडेंट होने वाला था और क्या ना हो जाता यदि भगवान मेरे साथ ना होते और उसी समय उसी समय बिल्कुल वही समय था मेरे घर में मेरी माता ने शाम को उस समय मोबाइल फ़ोन नहीं होते थे तो माता शाम को जब हमने टेस्ट डी पर फ़ोन किया था माता जी को शाम को बात कर रहे थे सब ठीक है तो माता जी कहते हैं बेटा सब ठीक है वहाँ पर क्यों क्या हुआ तो कहते नहीं ऐसे ही पूछ रही हूँ तो कहते नहीं फिर भी क्या हुआ तो उन्होंने कहा एक ऐसे साधु महात्मा आए थे घर में जैसे घर में आते हैं विचरण करते हुए पहाड़ों में तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे बच्चों की आज भगवान ने रक्षा की है तू तो, तो साई राम को मानती है उसने तेरी आज रक्षा की है तुम्हारे बच्चों की तो कहते सब ठीक भी है मेरे मदर से देन वी क्राइड एंड क्राइड एंड देन वी रिलेटेड द इंसिडेंट भगवान का ये जो एपिसोड हुआ कि मदर को भी सब भगवान ने बताया कि ऐसा ऐसा हुआ था आज तुम्हारी रक्षा हुई है और उसी प्रकार से जो तो है तुम्हारी हमें भी मालूम हुआ कि भगवान तूने ही हमारी रक्षा की तो ये ऐसे ऐसे इंसिडेंसेस बहुत से ऐसे हुए सर्जिकल लाइफ में भी हुए सर्जरी के दौरान भी हुए परंतु उससे पहले ये सब हुआ और कैसे कैसे भगवान आपको भी प्रेरणा देते हैं कि आपको यानी कि हमारे थ्रू आप कैसे पेशेंट्स को बचाते हैं कैसे कैसे उनकी रक्षा करते हैं वो भी भगवान करते हैं आपको इंसिडेंस बताता हूँ पीजे चंडीगढ़ जहाँ पे मैं आ, एम किया तो हमारे फाइनल ईयर की बात एक फेयरवेल पार्टी थी फेयवेल पार्टी हो रही थी एक बड़े नामी होटल में जैसे होता है ऑल द डॉक्टर्स द होल पी जे वज बारह बजे आप मान सकते हैं कि सभी ईट ड्रिंक एन बी मेरी तो सब वो हमारी फितरत वो नहीं थी मैं और एक मेरा दोस्त कुंडू डॉक्टर कुंडू मैं अभी भी याद करता हूँ हम पी जे के कोई पौने के बारह हम पार्टी छोड़ कर आ गए और वापस बारिश हो रही थी बहुत मुसल बारिश हो रही थी और जब हम वापस आ रहे थे भगवान का धन्यवाद करते हुए आ रहे थे कि, कि भगवान आपने हमें एम एस क्लियर कर दिया है और फर्स्ट चांस में सब कुछ एम का एग्जाम भी बहुत डिफिकल्ट होता है तो वापस आ रहे थे तो पी का गेट पी की बहुत बड़ी बिल्डिंग है तो उसका गेट के ऊपर हम देखते क्या है एक रिक्शा जो है खड़ी हुई थी वहाँ पर एंड रिक्शा में एक कहीं से रोने की आवाज़ आ रही थी अब रोने की आवाज़ किसकी थी तो एक महिला अंदर जो है उसका रुदन जो है हमें सुनाई दिया हम बाहर सुनते क्या वो रिक्शा का जो ऊपर का छत होती है वो थी क्योंकि बारिश हो रही थी बहुत तेज और कोई भी नहीं था उसको उसका राइड करने वाला रिक्शा पुलर भी वहाँ से गायब शायद वो किसी को ढूंढने गया होगा मदद के लिए उसके साथ में उसकी सासू माँ थी वो भी गायब वो बेचारी अकेली वो क्यों रो रही थी बिकॉज शी वॉज इन लेबर पेंस वो प्रसव में थी प्रसव यानी कि उनको वो बच्चा होने वाला था एंड शी वॉज क्राइंग विद लेबर पेंस तो हमें लगा अब क्या होगा इतना मुस्तर बारिश हो रही है भगवान अब करें तो करें क्या भगवान बाबा का नाम लिया भगवान की विभूति जो है हमेशा काम आती है तो वो सब उसका यूज कैसे कैसे होता है आप देखिए जब हम मैंने अपने फ्रेंड को कहा कि आप पीछे धक्का दीजिए और मैं उसको राइड करता हूँ आई वॉज एक्सपीरियंस इन राइडिंग बाइसिकल तो वो रिक्शा को भी पुल करने में थोड़ा सा मुझे अटपटा लगा परंतु तो पहली बार मैंने रिक्शा को पुल किया विद दैट वेट इन द रिक्शा ही वॉज पुशिंग दैट व्हीकल एंड आई वॉज ड्राइविंग इट एंड पीजे के एमरजेंसी ऐसे क्योंकि वहाँ इंक्लाइन है उस इमरजेंसी में इंक्लाइन में जब हम चढ़ते हैं ऊपर जाते हैं और बिल्कुल वरेंडा में पहुँचते हैं इमरजेंसी की जो सर्जिकल इमरजेंसी सिस्टर आइएगा डॉक्टर्स आइएगा जो ड्यूटी पे थे सब भागते भागते आ गए सिस्टर ये वो एंड देन वी डिलीवर डेट बेबी ऑन द रिक्शा एंड भगवान श्री सत्य बाबा ने कैसे क्योंकि लीगली इट्स अनसेफ आप समझ लीजिए कि इलीगल एंड वैसे लगता था कि यार अब फंसे तो फंसे कुछ बच्चे को हो जाता अब माँ को हो जाता क्या कर रहे थे आप क्या कहानी बना रहे थे रात को बारह बजे न्यू ईयर्स के दिन और कैसे कैसे उस बच्चे को बचाया उस बच्चे का नाम भी उन्होंने बाद में संजय रखा वो याद है और वो उसको वील इन करके उस बच्चे को और उसकी माँ को फिर हम ऑप्शिक वार्ड में ले गए उसे हमें भर्ती करवाया दो तीन दिन तक हम उसे खाना फ्रूट सब कुछ देते गए सब भगवान की प्रेरणा थी भगवान वर्क्स थ्रू यू ऑलवेज आपके हाथों में भगवान की जो पूरी शक्ति है वो उस समय आ जाती है भगवान जहाँ चाहता है कि मुझे यहाँ पर काम करना है जब भी बाबा का कोई प्रोग्राम होता था शिमला में या कहीं भी प्रोग्राम्स होते थे तो एज अ सेवा दल वी यूज टू लाइक वर्क वी लव वर्किंग फॉर स्वामी स्वामीज़ ऑर्गेनाइजेशन हमारी ऑर्गेनाइजेशन हम काम किया करते थे खूब कभी ये तमन्ना तो नहीं रहती थी कि ऑर्गेनाइजेशन में हम वील बी गिवन सम रिस्पॉन्सिबिलिटी और समथिंग तो जितने भी स्टॉल वॉड्स होते थे हमारे स्टेट के जितने भी ऑर्गेनाइजेशन मेंबर्स होते थे या कौन का पदाधिकारी होते थे उन सभी को देखते हुए मैं ऐसा लगता था क्योंकि होता क्या था ये शिमला में एक मेन थिएटर है वहाँ पर कालीबाड़ी हॉल है और एक गेटी थिएटर है तो सारे प्रोग्राम्स उस थिएटर में होते थे बाल विकास के प्रोग्राम हों कुछ भी प्रोग्राम्स होते थे तो उस स्टेज के ऊपर होते थे और जब स्टेज का प्रोग्राम समाप्त हो जाता था तो वो पर्दा कर दिया जाता था उसके पीछे जो है चाहे वो चीफ गेस्ट हमारे चीफ मिनिस्टर हों चाहे कोई भी मतलब एज अ गेस्ट ऑफ ऑनर वहां पर रहें तो उनके लिए कुछ सम्मान स्वरूप जो है कुछ कुछ होता था पीछे तो हम बाहर बैठते थे लास्ट रोज में बैठते थे मैं भी सविता भी हम बैठे भगवान का प्रार्थना कर रहे होते थे भगवान अंदर क्या हो रहा होगा इस पर्दे के पीछे क्या हो रहा होगा क्योंकि वी आर नॉट अलाउटड हम जब चढ़ते भी थे चलते भी थे हम लास्ट में चलते थे कभी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हमें इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दिया जाता था शुरू में तो हम फिर भी एक मन में लालसा होती थी कि यार शायद ये स्टेट प्रजेंट चीज़ क्या होती होगी ये डिस्ट्रिक्ट प्रजेंट चीज़ क्या होती होगी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्वालिफिकेशन होती होंगी कि क्या चीज़ इन्हें इनमें क्या हुनर है क्या खुरखाप के पर लगे हुए हैं कि इन्हें ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज भगवान ने दी हुई है भगवान सुनता तो होगा भगवान ने सुना भगवान चाह भगवान ने कि तुझे भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी तो समय आया धीरे धीरे कि कुछ समय ऐसे रहा कि स्टेट प्रजिडेंट हमारे पुटवर्ती में रहते थे भगवान ने अंदर अपने साथ रेजिडेंस में रखा हुआ था उन्हें फॉर टेन ट्वेल्व ईयर्स ही स्टेट विद हेम भगवान के साथ ही रहे तो पीछे स्टेट को देखने के लिए कुछ डेलीगेट रिस्पॉसिबिलिटीज़ की गई तो धीरे 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 अब डिस्ट्रिक्ट प्रेजिडेंट था मैं जिला अध्यक्ष था तो कुछ कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज शायद मुझे मेरा अपना काम देखते हुए हमारे स्टेट प्रेजिडेंट ने भी मुझे कहा कि आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज देखनी है जब भगवान का अब विजिट होने वाला है दो हज़ार दस में अब दो हजार दस में भगवान ने दिल्ली आना था दिल्ली के साथ साथ शिमला भी आना था शिमला में एक भव्य आनंद विलास आपने देखा ही होगा आनन्दास जो भगवान का मॉन्यूमेंट है शिमला में भगवान का अपना रेजिडेंस है भगवान का घर है वो भी एक शिमला में जो है एक मॉन्यूमेंट बना हुआ है वो देखने योग्य है उसे आप देखेंगे तो लगेगा कि भगवान वाकई में यहाँ भी रहते हैं और भगवान तो सब जगह रहते हैं हर एक के दिल में रहते हैं हर एक के घर में रहते हैं, हैं। परंतु वहाँ पे अब भव्यता उसकी देखकर लगता है ऐसा है कि भगवान वाकई में यहाँ रहते हैं तो उसका इनोग्रेशन करने के लिए भगवान का आना जो है सब सोच रहे थे सब एक एक मन मैं एक एक मन में या कहूँगा एक एक व्यक्ति जो हिमाचल का है उसके मन में ये था कि भगवान यहाँ पर आए भगवान सबको आशीर्वाद दें इस जगह को इनोग्रेट करें भगवान यहाँ रहें आकर तो कितना अच्छा होगा वही होना था मार्च एंडिंग की बात है 2010 जब भगवान का निश्चित हुआ कि दिल्ली भगवान आ रहे हैं और भगवान ने हमारे स्टेट प्रेजिडेंट को कहा मैं शिमला भी आता है और मैं आता है तुम जाओ तो वो उनके साथ रहते थे उन्होंने कहा जाइए तो वो सर ने मुझे फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे हो ऐसा प्रोग्राम जो है अब सारा का सारा सेवादल हिमाचल का संगठन जो है उसे सचेत कर दो तैयारियां हो रही थी ऐसा लग रहा था कि स्वामी आने से पहले ही आ चुके हैं क्योंकि सब इतने हर्ष और उस हर्ष के साथ इतने मतलब खुश थे सब इतने खुश थे कि मा माताएं बहनें हमारे भाई लोग छोटे छोटे बच्चे इवन बाल विकास के बच्चे स्कूल में जो वहाँ स्कूल शुरू हो चुका था उसके बच्चे सब तैयारी कर रहे थे अब भगवान ने आना है तो अब मतलब कि उस जो जगह है उसकी धरती पवित्र होने वाली है हमारी क्योंकि एक एक कण जो है वो खुश हो रहा था कि भगवान आने वाले कुछ तैयारी के बाद भगवान हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने हमारे जो स्टेट ऑल इंडिया प्रेसिडेंट श्रीनिवासन सर थे सब ने मैसेज ऐसा चला के आया था शिमला के लिए कि भगवान ने आना तो है परंतु आपकी तैयारी देखने के बाद ही डिसाइड किया जाएगा कि भगवान यहाँ पर आएंगे कि नहीं और अंत जमे जैसे आने लगा कि भगवान के आने का समय नज़दीक आने लगा ऐसे ऐसे इंडिकेशन आने लगे कि भगवान शिमला नहीं आने वाले अब जो हमारी साख थी वो यहाँ तक पहुँच गई थी कि अब क्या होगा भगवान यदि ना आए तो क्या होगा तो आना तो है ही भगवान ने भगवान ने संकल्प भगवान का संकल्प था कि शिमला आना है मुझे तो मैं और हमारे स्टेट प्रेसिडेंट सर श्याम सुंदर जी श्याम सुंदर जी रात को कहते हैं कि चल संजय दिल्ली जाते हैं गाड़ी उठाई रात को हमने दिल्ली के लिए कूच कर दिया रात को चले सुबह सवेरे लोधी रोड पर जो हम साईं सेंटर है श्री से सत्साई सेंट्रल ट्रस्ट का उस सेंटर पे हम पहुँचते हैं तो भगवान जहाँ पर वो होता है ना जहाँ पे मेडिकल का कैंप लगता है डिस्पेंसरी होता है एवरी संडे वहाँ पे कैंप लगा करता है उसके बाहर उसके पर्टिकों में वहाँ पर भगवान दर्शन देने के लिए बैठे हुए थे और हम गाड़ी इतनी भीड़ थी खचाखच सड़कें भरी हुई सब कुछ खचा हुआ भगवान आए हुए थे तो पूरा दिल्ली उमड़ कर वहाँ पर पहुँचा हुआ था और हमारी गाड़ी कहीं कुछ किलो समझ लीजिए कुछ मीटर्स हंड्रेड मीटर्स कुछ पीछे रह गई वहीं पे पार्क करी सर का अभी अभी ऑपरेशन हुआ था उनका हिप रिप्लेसमेंट हुआ था सर अपने स्टिक के साथ और मैं सर के पीछे पीछे आगे आगे उनको खींचता हुआ सर चलिए 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 हार्ड टास्क मास्टर उनके गाली सुनते हुए उनकी बातें सुनते हुए उनका सब कुछ सुनते हुए कि तू चलेगा नहीं तू धीरे नहीं चलेगा मुझे याद है वो गाड़ी चलाते हुए भी शिमला से दिल्ली तक मैं कैसे पहुंचाऊं बिकॉज उनके मन में वो था एक जुनून था कि मुझे अभी स्वामी कहीं ऐसा ना हो कि दर्शन खत्म हो जाए और स्वामी निकल जाए बट अल्टीमेटली इट वॉज डिस्टाइंड और भगवान ने हमें दर्शन देने थे दर्शन स्पर्शन संभाषण सब कुछ भगवान के वहां पर हुए हम जैसे वहां पहुँचते हैं भीड़ को चीरते हुए कोई रोक नहीं सकता था श्याम सुंदर जी को श्याम सुंदर जी की बात मैं भी चला हुआ था छोटे हनुमान की तरह तो मैं पहुंचता हूं उनके साथ साथ और भगवान के चेयर भगवान दर्शन दे निकल रहे थे वापस रेजिडेंस की तरफ और हम बीच में खड़े हुए दोनों ने स्पर्श किया चरण उनके और भगवान से आई टू आई कॉन्टैक्ट हुआ भगवान समझ गए दोनों क्यों आए हैं और कौन है मैं तो ये समझता था कि भगवान जानते भी होंगे मैं कौन हूँ नहीं हूँ परंतु भगवान जानते थे और वो आई टू आई कॉन्टैक्ट हुआ स्माइल्स शेयर हुए और कुछ नहीं कहा हम दोनों ने भगवान चले गए धीरे धीरे रेजिडेंस की तरफ और वो स्टोरी यहाँ पे ख़त्म नहीं हो रही है अगले दो दिन तक जब तक दिल्ली में भगवान थे वहाँ जाते थे द्वारका वहाँ पर डिस्कोर्स होते थे भगवान के दर्शन होते थे भगवान वापस आते थे भगवान किसी किसी के घर में जाते थे बहुत सीनियर डिवोटीज़ के वहाँ जाते थे वापस आते थे रेजिडेंस के लिए अपने लोधी रोड पर और उस रेजिडेंस में आते थे जब आते थे मैं और सर स्वामी के वेट किया करते थे कि अब आएंगे क्या आदेश होगा स्वामी बताएंगे और मीनवाइल क्या था जो हमारे ऑल इंडिया प्रेजिडेंट थे उनकी तरफ से हमें खूब बातें सुनने को मिलती थी दिन भर तुम्हारा कोई तैयारी नहीं है शिमला तैयार नहीं है स्वामी नहीं आ सकते हैं हम उनके सामने प्रार्थना करते थे हाथ जोड़ कर कि सर कुछ मान लीजिए सब तैयार है हमारी तरफ से सब तैयार था पहाड़ी हैं पहाड़ के लोग हैं हमारे लिए तो सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग कि हमने कुछ थोड़ा भी कर दिया तो बहुत कुछ कर दिया स्वामी तो आएंगे ही आएंगे स्वामी तो झोपड़ी में भी आते हैं और आते भी थे स्वामी तो हल्की से भी हो स्वामी के मन में तो थी ही बात कि मुझे शिमला आना है तो स्वामी ने आना ही था हम पूरे पूरे उसके साथ जो है फर्म कन्वेक्शन के साथ कि स्वामी तो आएंगे ही आएंगे तो स्वामी के लिए हम वेट कर रहे थे कि स्वामी शबरी ने जैसे वेट किया था भगवान का वैसे ही हम दो दिन तक हम भगवान का वेट कर रहे थे कहाँ बार गाड़ी में सोते थे गाड़ी में ही खाते थे क्योंकि ऑल रिगार्ड्स टू डेली डिवोटीज इतना उन्होंने वो किया हुआ था इतना डिवोशन के साथ सब कुछ तैयारी की हुई थी भगवान वहाँ पर आए हुए थे और सब कुछ वहाँ पे हो रहा था परंतु हम लोग बाहर थे हमें कोई एंटरटेन नहीं कर रहा था तब तक आज भगवान ने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी हुई है दिल्ली की भी एस ए नॉर्थ जोन कोऑर्डिनेटर बट स्टिल ऑल रिगार्ड्स टू देम उस समय ऐसे आदेश नहीं होंगे कि हमें एंटरटेन करना है तो हम लोग बाहरी गाड़ी में सो रहे थे बाहरी गाड़ी में हम दो दिन नहाए भी नहीं इमेजिन कीजिए लास्ट टाइम क्या होता है जिस दिन भगवान ने ऑर्डर किया कि ऑर्डर मतलब संदेश भेजा कि मैं आता है शिमला तो मैं बैठा हूँ बाहर सर बैठे ऐसे चेयर के ऊपर जैसे मैं बैठा हूँ क्योंकि सर का ऑपरेशन हुआ हुआ था वो नीचे नहीं बैठते थे ऊपर बैठे मैं उनके साथ नीचे उनकी चरणों में बैठा हुआ था हमारे साथ एक बिल्लू भैया हैं डॉक्टर नीता खन्ना जिनका मैंने नाम लिया उनके ब्रदर वो भी साथ में बैठे हुए थे तो जब हम साथ तीनों बैठ के अभी वेट कर रहे थे कि स्वामी पता लगा कि स्वामी जो है द्वारिका से अभी वापस आ रहे होंगे उनकी गाड़ी बाहर आती है तो एक व्यक्ति उनको साथ लेकर आगे चले आ रहे हैं और हम दूर बैठे विद आई टू आई कंटैक्ट विद स्वामी तीनों स्वामी को देखते हुए लगातार टकटकी लगाए और भगवान नज़दीक आते गए आते गए आते गए और भगवान जो है हमारे सामने बिल्कुल रुक गए अब आपका अब, अब ये ड्रामा है मैं कहूँगा सामने भगवान क्या कर रहे हैं पीछे से श्याम सुंदर जी मुझे चुंटी मारते हैं बोल मैं नहीं सर आप बोलो नहीं नहीं बोल चूटी फिर चूटी नहीं बोल मैं भी नहीं बोलूं वो भी नहीं बोले स्वामी मुस्कुरा रहे हैं हम सब मुस्कुरा भी रहे हैं और रो भी रहे हैं स्वामी क्या बोले क्या पूछे आपसे क्या नहीं पूछे हम तीनों एक पहले तुम पहले तुम करते करते कुछ नहीं हो रहा और स्वामी मुस्कुराते रहे मन ही मन आंखों से ही बात करते रहे हम लोग स्वामी को सब कुछ पता था क्यों बैठे हैं क्या पूछने वाले हैं यार मूर्ख हम लोग क्या पूछें भगवान को सब कुछ मालूम है और वो दो या तीन मिनट होंगे वो दो तीन मिनट ऐसे लग रहे थे कुछ कहीं साल जो है हमारे तो दर्शन मेरे तो दर्शन पूरे हो गए मुझे लगा मेरा तो विजिट पूरा हो गया स्वामी आए ना आए शिमला <laughs> मेरे तो तृप्ति हो गई थी वहां परंतु दैट सेल्फिशनेस डेवलपिंग विद इन मी दैट वॉज नॉट टू बी एंड मुझे ऐसा लग रहा था कि नहीं भगवान हजारों लोग शिमला में वेट कर रहे हैं हजारों लोग आप अपनी माँ का इंतजार कर रहे हैं आप आइएगा जरूर और इट वॉज इट वॉज टू बी भगवान अंदर गए करीबन पांच मिनट और बीते होंगे हमने कहा अब कोई सेवादल आएगा हमें कहेगा जाइए भैया उठिए आपका समय हो गया बाहर चले जाइए पांच मिनट के बाद स्वामी का ड्राइवर अंदर से भागता हुआ आता है उसका नाम था वो भागता हुआ आया स्वामी शिमला आ रहा है स्वामी ने कहा दिया स्वामी आ रहा है इतने में अंदर से संदेश आया ऑल इंडिया प्रेजिडेंट भी बाहर आते हैं मेरे हमारे स्टेट प्रेजिडेंट को बुलाया गया दरवाजे पे ही कुछ बातें हुई मैं देख रहा था और ऐसी बातें लग रही थी कि बहुत अच्छी बातें हो रही अब बहुत आत्मीयता वाली बातें हो रही हैं जब भी जैसे डालते हैं वैसे बातें हो रही हैं और आप कहेंगे कि दिल्ली के डिबोटीज हमें आए विशेष अतिथियों की तरह रेबर्ड गेस्ट की तरह हमें ऊपर लेके गए फर्स्ट फ्लोर के ऊपर हमें चांदी के बर्तनों में खाना खिलाया गया छप्पन भोग का प्रसाद हमें दिया गया खूब खाना जैसे हमने भी खूब डट के खाया कि दो दिन से खाना नहीं खाया था तो आज खाना खाएंगे भगवान का प्रसाद हमें मिला और भगवान ने हमें ऐसा आदेश दिया कि जाओ शिमला रातों रात मैं तो शिमला भागा सर को जो जो इंस्ट्रक्शन मिली थी वो सब लेकर और एक दिन के बाद जो है स्वामी का प्लेन जो है शिमला में उतरता है और हजारों हजारों डेबूटी शिमला के जुबरहट्टी एयरपोर्ट से लेकर वो जो थर्टी किलोमीटर का स्ट्रेच है टू द मंदिर आनंद विलास खचा खच हजारों लोग भरे हुए दोनों साइड्स में भगवान की जय जयकार करते हुए और भगवान तब शिमला आए और भगवान ने आकर सबको तृप्त किया भगवान ने सबको कहूंगा लबा लब भर दिया जिसको कहते हैं लास्ट रास्ते भर में डिवोटीज एयरपोर्ट पे डिवोटीज एयरपोर्ट के अंदर एंट्री करना बैन होता है पता ही आपको गेट्स को क्रॉस नहीं कर सकते परंतु तो उसके अंदर भी ऑफ डिवोटीज सराउंडिंग द प्लेन एंड भगवान के लिए प्लेन से भी एक जो था भगवान जब उतर के आते हैं और जब रास्ता काटते हैं आनंद विलास तक पहुंचते हैं आनंद विलास में जाकर भी आप देखिए क्या होता है फर्स्ट डे फर्स्ट शो भगवान का शो इन द सेंस हजारों लोग उस ये अपने आनंद विलास का वो चित्र देखा हो या मूवी देखा हो जब भगवान वहाँ पर आए थे हजारों लोग वहाँ पर बैठे थे दर्शन के लिए हजारों हज़ारों लोग लाखों लोग कहूँगा क्योंकि हमारे तो लाख भी हज़ार भी लाखों के बराबर है हिमाचल में कोई पेड़ों पर चढ़ा हुआ है दूर दूर से लोग भगवान का सिर्फ एक झलक मिल जाए हमें और भगवान सामने स्टेज के ऊपर आते हैं बाहर आई वॉज एज साइलेंट नॉट साइलेंट आई वॉज अ वर्कर आई वॉज नॉट साइलेंट बट आई वॉज अ वर्कर पार एक्सेलेंस कहूँगा क्योंकि इतना काम हम कर रहे थे अपने सोच सोचता था भगवान बहुत काम कर रहा हूँ जैसे पुटरवर्ति में हुआ भगवान दर्शन नहीं दिया तो अंदर भी आकर भगवान बहुत दर्शन हो गए मेरा तो दर्शन हो चुके थे ना दिल्ली में तो मैं सोचता हूँ कि अंदर मैं आई वॉज सिटिंग एट द कॉर्नर अंदर मंदिर के तो मैं सिंह जस्ट एक्सपेक्टिंग कि भगवान आएंगे कोने पे आएंगे तो शायद मैं उनके चरण वहाँ छू लूंगा वहाँ पर बात शायद भगवान कर लेंगे मुझसे मैं देखता हूँ क्या होता है आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि कुछ ना कुछ मेरे कल होगा भगवान आज मुझसे बात जरूर करेंगे क्योंकि दिल्ली में अधूरी रह गई थी बात कुछ तो जब वहाँ बैठा था तो पीछे से एक जो सेवा दल कोऑर्डिनेटर हमारे आते हैं पीछे से मेरा चंदा पकड़ के बोलते हैं आपको बाहर बुला रहे हैं स्टेज पे उस स्टेज पर जिस पर केवल दो चीफ मिनिस्टर एक चीफ मिनिस्टर बैठे थे गवर्नर बैठे थे डीआईजी बैठे थे और कुछ अन्य इम्पोर्टेंट लोग जो ऊपर स्टेट प्रेजिडेंट बैठे थे और ऑल इंडिया प्रेजिडेंट बैठे थे उस वहाँ पर आउटसाइड में प्रेसें� भगवान दर्शन दे रहे थे तो मुझे वहाँ में लेके कर गया मैं के मैं मालूम नहीं क्या करना है वहाँ जाकर स्टेट प्रजिडेंट बोलते हैं आपको आरती करनी है भगवान की अल्टीमेट दैट वॉज़ भगवान चाह रहे थे कि मैं आरती करूँ और आरती का जो वो जो अग्राला होता है जो चीज़ होती है जिस पर आरती हम करते हैं वो मुझे दे दी गई अब शिमला है शाम का वक्त है हवा चल रही है ठंडी है वो जलाएं तो वो बुझ जाए जलाएं तो वो बुझ जाए भगवान देख रहे हैं भगवान ने इशारा किया अंदर चलते हैं तो अंदर मंदिर के अंदर जाते हैं वहां पे आरती करेंगे तो दैट आरती टू बी डन द मंदिर जहां पे अप, अप देखेंगे, आप आप देखेंगे भगवान भव, का जो थ्रोन रखा हुआ है उस जगह पर भगवान ने दर्शन देने थे तो भगवान का आप चाहिए कि भगवान आगे चल रहे और मैं पीछे आरती लेकर चला हुआ हूँ बिहाइंड स्वामी आई वॉज विद दैट थिंग जिससे मैंने आरती करनी थी और वो कुछ मीटर्स अंदर समझ लीजिए ट्वेंटी थर्टी मीटर्स अंदर जाकर फिर वो गए मंदिर में भगवान बैठे भगवान ने फिर मुझे इशारा किया अब आप आरती करें और मतलब दैट वाज अ आप कहेंगे कि जैसे कि होता है ना एक मजेस्टिक आरती मजेस्टिक वे ऑफ डूइंग आरती भगवान ने इतना कुछ दिया उस विज़िट में भगवान वहाँ पर आए भगवान ने विजिट में और मुझे आरती करने का मौका पूरा मिला मैं कहूँगा कि जितना भी हमने वर्ड तो है ही नहीं कि कुछ किया हमने कुछ नहीं किया जितनी भी चीजें थी हमने पूरे साइडीज ऑफ शिमला डेली हेल्प डस् उसके बाद तो सब कूद पड़े हमारी हेल्प के लिए भी वो करना ही था क्योंकि स्वामी आए हुए थे और स्वामी ने इतना और लोग मतलब इतने तृप्त हुए वहाँ पर जब भगवान वहाँ पर आते हैं परंतु तो दैट विजिट ऑफ आर्स टू तो डेली उसके बाद भगवान वहाँ पर आना भगवान का फिर उसके बाद जब एयरपोर्ट पर जा रहे थे मेरे साथ में साई प्रसाद मेरा दोस्त है उसकी आंसू नहीं रुक रहे थे एयरपोर्ट पे जब हम उनको भगवान को छोड़ने गए सी ऑफ़ करने गए सी ऑफ़ तो एक इंसान को करते हैं भगवान जा रहे थे फिजिकल फॉर्म उनका जा रहा था वापस दिल्ली जा रहे थे वो तो एयरपोर्ट पर जो शिमला का छोटा सा एयरपोर्ट है फिर वहाँ पर जाने का मौका मिलता है लास्ट में स्टेट प्रेजिडेंट के साथ और उनके साथ जब जाता हूँ वहाँ पर तो फिर भगवान दूर से आशीर्वाद देते हैं कि जाइए और आशीर्वाद देते थे वो मैं शाही प्रसाद का बात इसलिए कर रहा हूँ कि वो क्राइंग क्राइंग मतलब दहाड़े मार रहे थे रो जो रो के रो रहे थे जो जो कर रो रहे थे एंड दैट पुल्ड स्वामीज़ आई टर्डस कि हो क्या रहा है वहाँ पर तो बिल्कुल साथ ही थे सामने सामने फिर भगवान गए ऐसा लग रहा था कि वो जो एयरपोर्ट एयर एयरप्लेन ऊपर उड़ा तो हमारी माँ जो है ऊपर हेवन से जाकर फिर वो दिल्ली फिर से उतरने वाले हैं तो मतलब दीज एपिसोड्स रिमाइंड यू ऑफ दैट ऑल माइ टी दैट फोर्थ दैट इज़ टिल डेट समाधि में जब भगवान को जाना था जब सात बजकर कुछ मिनटों पर ऐसा कुछ खबर आई तो हम लोगों ने एकदम से डिसाइड किया कि अभी हमें पुटापट्टी जाना है इट वॉज़ लाइक मतलब इम्पॉसिबल टू रीच पुटापट्टी ऐसा हो गया था बारिश तूफान में हम किसी तरीके से एक प्राइवेट बस करके हम दिल्ली पहुँचते हैं सुबह सुबह की फ़्लाइट मिली थी छः बजे की पाँच बजे से कुछ मिनटों पहले हम दिल्ली के एयरपोर्ट से जस्ट बाहर That too, उस टर्मिनल से करीबन दो किलोमीटर पहले जो है हमें बस छोड़ देती है हम अभी सोच ही रहे थे हमारे पास पहुंचता है उसमें एक मुस्लिम ड्राइवर अंदर आटाफट उसमें घूसे दौड़ता हुआ वो दो किलोमीटर वो लेकर चला गया विद इन ऑन द गेट्स उतरते हैं अभी हम सोच ही रहे थे उससे बात करेंगे ही वैनेज